आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ पर संचालित डीबीटी बायोटेक किसान परियोजना अंतर्गत दिनांक 15 और 19 नवंबर 2021 में आयोजित 5 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण के तृतीय दिवस में परीक्षार्थियों का एक भ्रमण दल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन संचालित और परियोजना के मुख्य हब राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो कुसमौर मऊ हेतु परियोजना के सह अन्वेषक व केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में रवाना हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर आर के सिंह ने झंडा दिखाकर केंद्र की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भ्रमण दल को रवाना किया। उक्त अवसर पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर नायक, शिवेश त्रिपाठी, राजकिशोर सिंह, दुर्विजय सिंह, परियोजना कर्मी सिद्धांत सिंह, संजय गुप्ता व उद्यमी किसान अशोक कुमार, राम अवतार, श्रीमती सोना देवी, श्रीमती सरोज यादव, श्रीमती संगीता सरोज, अमित त्रिपाठी, विपिन बिहारी, यशपाल सिंह, श्रीराम शिवाश्रय सहित कुल 20 किसान उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।